हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है संस्पर्श प्रक्रम, या इंग्लिश में हम कहेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यह सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की एक विधि है और आज की इस वीडियो में हम संस्पर्श प्रक्रम या कॉन्टैक्ट प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन। विरचन का अर्थ होता है निर्माण। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम या कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा किया जाता है। संस्पर्श प्रक्रम सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। आप जानते हैं औद्योगिक विधियों में हम पदार्थ का उत्पादन एक बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। संस्पर्श प्रक्रम में सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन तीन चरणों में किया जाता है। तो सबसे पहले इन तीन चरणों को समझते हैं और उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं चरण वन। चरण वन में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला तरीका है कि हम सल्फर का दहन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करें, या फिर किसी सल्फर के अयस्क को या किसी सल्फाइड अयस्क को हम गर्म कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ या आप कहें वायु के साथ। तो मुख्य रूप से यहाँ हम रखते हैं आयरन पाइराइड को। तो आयरन पाइराइड को हम वायु के साथ जब गर्म करते हैं तो इससे भी हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया आप पीछे भी पढ़ चुके हैं जब आपने तत्वों का निष्कर्षण पढ़ा था। आप इस अभिक्रिया को भर्जन कह सकते हैं या इंग्लिश में आप कहेंगे रोस्टिंग। जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो जो धातु है वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यदि यहाँ पे सल्फर उपस्थित हो तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं भर्जन। तो पहले चरण में हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर ली। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन गैस से, यानी कि आप कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस या आप कह सकते हैं वायु से कराते हैं, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जैसा कि यहाँ पे आपको चिन्ह से दिखाई दे रहा है, और साथ में यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी भी होती है। यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है -196 किलोजूल। इस अभिक्रिया में सल्फर ट्राइऑक्साइड की अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए हम उत्प्रेरक का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरक वेनोडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लेटिनम हम ले सकते हैं। तो दोनों में से एक उत्प्रेरक का प्रयोग हम करते हैं। उम्मीद है कि यह अभिक्रिया आपको समझ में आ गई है। कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आता है कि संपर्क विधि या आप कहें संस्पर्श प्रक्रम का उत्प्रेरक क्या होता है। तो यहाँ पे दोनों नाम आप ध्यान रखें, वेनोडियम पेंटाऑक्साइड भी हो सकता है और प्लेटिनम भी हो सकता है। तो ये हो गया चरण दो। तो चरण एक में हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली थी और चरण दो में हमको मिल गई सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब देखते हैं चरण तीन में हम क्या करेंगे। तो चरण तीन में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित कराते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके ओलियम का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया को समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस दोनों को आपको एक साथ मिलाकर लिख देना है। जैसे देखें यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो H2 लिख दिया गया, एक सल्फर यहाँ पर, एक सल्फर यहाँ पर तो S2 हो गया, चार ऑक्सीजन यहाँ पर, तीन ऑक्सीजन यहाँ पर तो O7 हो गया, यानी कि H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं। ओलियम को सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। जब ओलियम की क्रिया हम जल से करा देते हैं तो यह अपघटित हो जाता है और इससे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। आप यहाँ पे बात समझ सकते हैं कि एक मोल ओलियम से सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 मोल प्राप्त होते हैं। तो ये हैं तीन चरण, और इन तीन चरणों में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एक फ्लो चार्ट की, जो कि हमको एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को समझते हैं और फिर इसके बाद हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो देखिए ये फ्लो चार्ट है,
सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बारे में कुछ लिखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसका, इसको हम कहते हैं सल्फर बर्नर। यहाँ पे आप देखिए ऐसे प्लेट लगे हैं और इन प्लेट्स पे सल्फर रखा गया है। यहाँ पे सल्फर के स्थान पे हम आयरन पाइराइड को भी ले सकते हैं। यहाँ से वायु प्रवाहित करते हैं और वायु प्रवाहित करके इसको गर्म करते हैं वायु के साथ। यदि यहाँ पे हमने सल्फर रखा है तो सल्फर वायु के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी और साथ में कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे शेष बचेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वायु हम प्रवाहित कर रहे हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में प्रवाहित कर रहे हैं। तो कुछ वायु का ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन गैस बची रह जाएगी। तो यहाँ पर हमको एक गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें मुख्य रूप से दो गैसें होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि अभी अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अशुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। तो सल्फर बर्नर से हम के ऊपरी भाग से हम इस गैसीय मिश्रण को निकालते हैं और निकालकर अगले पार्ट में भेजते हैं, जिसका नाम होता है धूल अवक्षेपक। जो दूसरा कक्ष है इसका नाम है धूल अवक्षेपक। यहाँ पे हम गैसीय मिश्रण को कुछ देर के लिए रखते हैं जिससे उसमें उपस्थित धूल के कण नीचे बैठ जाए या अवक्षेपित हो जाए, और फिर इस गैसीय मिश्रण को हम आगे प्रवाहित करते हैं धोने एवं शीतलीकरण के लिए जो मीनार बनाई गई है, जो कि इस फ्लोचार्ट का तीसरा पार्ट है। इसमें हम नीचे से प्रवाहित करते हैं, तो नीचे से हम गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। इस मीनार में ऊपर से जल की बौछार होती है, जल की फुहार गिरती है, यानी कि फवारे से यहाँ पे जल गिरता है। यहाँ पे आप देखें ऐसे प्लेट्स लगे हुए हैं। जब भी यहाँ से गैस या फिर आपका गैसीय मिश्रण ऊपर जाएगी तो इस किनारे से जाएगी और ये जल के काफ़ी संपर्क में आएगी, इसलिए ये प्लेट लगाए गए हैं ताकि गैस तुरंत ऊपर ना पहुँच जाए, बल्कि यहाँ पे उसको ऊपर जाने में टाइम लगे और जल के साथ वो ज़्यादा संपर्क में आए। इस कक्ष में क्या होता है कि जो यहाँ से हमने गैसीय मिश्रण भेजा, यदि उसमें कुछ धूल के कण बच गए हैं जिनका अवक्षेपण यहाँ पर नहीं हो पाया है धूल अवक्षेपक में, तो वो जल में भीग कर वजन हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे और इस अपशिष्ट जल के साथ बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम धूल के कणों का अवक्षेपण कराते हैं, यानी धूल के कणों को हम गैसीय मिश्रण से अलग करते हैं। इसके बाद हम गैसीय मिश्रण को इसके ऊपर से निकालते हैं, तो ये आपने आप कह सकते हैं इसको धावन कक्ष, इसके ऊपर से निकालते हैं और फिर इसको अगले पार्ट में भेजते हैं, जिसका नाम होता है शुष्कन मीनार, या आप इसको कह सकते हैं ड्राइंग टावर। इसमें नीचे से हम भेजते हैं, यहाँ पे आप देखें तो इसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े रखे गए हैं ताकि गैस तेजी से ऊपर ना जाए, बल्कि अब यहाँ से गैस इन आप देख रहे हैं बीच के जो खाली स्थान है इनसे होकर ऊपर जाएगी। इस कक्ष में ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार गिरती है। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जब वो गैस के संपर्क में आता है या गैसीय मिश्रण के संपर्क में आता है, तो इसमें उपस्थित जो जल वाष्प है, जो कि यहाँ से मिल गया था, क्योंकि यहाँ से देखिए आप काफ़ी गर्म गैस यहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक भट्टी की तरह उसको गर्म किया है, तो यहाँ से जो गर्म गैस है ये जब जल के संपर्क में आती है तो जल वाष्पित होकर उसके साथ मिल जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वो यहाँ से जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है, जिससे यहाँ पर गैस जो होती है या गैसीय मिश्रण जो होता है वो शुष्क हो जाता है। तो यहाँ से शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण हमको प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम शुष्कन कक्ष कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल वाष्प का अवशोषण करते हैं। इसके बाद इस शुष्क गैस को हम भेजते हैं अगले पार्ट में, जिसको कहते हैं आर्सेनिक शुद्धिकारक। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भरा होता, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा गया होता है, जो आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित करता है। यदि इस गैस में, जो कि गैसीय मिश्रण है एक्चुअल में, यदि इस गैसीय मिश्रण में आर्सेनिक की अशुद्धियां हैं, तो इस कक्ष में फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है जो आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवक्षेपित करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित करना इतना आवश्यक क्यों है, तो ये आपको आगे अभी समझ में आ जाएगा। आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेने के बाद गैस को हम गर्म करते हैं पूर्व तापक द्वारा, और गर्म करने के बाद इसको हम भेज देते हैं उत्प्रेरकी परिवर्तक में। तो
तो देखें उत्प्रेरकी परिवर्तक में हम नीचे से गैस को भेज देते हैं। यहाँ पे ऐसे प्लेट्स लगे हुए हैं और जिसके ऊपर रखा गया है वैनेडियम पेंटाक्साइड जो कि उत्प्रेरक है। यहाँ पे हम प्लेटिनम भी रख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझें, यदि हम प्लेटिनम को यहाँ पे यूज करते हैं या फिर प्लेटिनम की जाली का यूज करते तो उसके लिए आर्सेनिक एक पॉइजन होता है। इस बात को याद रखें कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक उत्प्रेरक विष का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर हमने आर्सेनिक की अशुद्धि को अवशोषित करा लिया है, यहाँ पर आर्सेनिक को अलग कर लिया है। क्लियर बात है? तो हालांकि यहाँ पे हमने प्लेटिनम का यूज नहीं किया है उत्प्रेरक के रूप में, तो यहाँ पे आर्सेनिक चला भी जाए तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे वैनेडियम पेंटाक्साइड न यूज करके हम प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज करें तो आर्सेनिक का शोधन बहुत ही आवश्यक हो जाता है, नहीं तो बार बार जो हमारी प्लेटिनम होती है वो खराब हो जाती है, और इस तरह प्लेटिनम आप जानते हैं काफ़ी महंगी धातु है, तो बार बार खराब होगी तो हमारी सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की ये विधि काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो ज़्यादा सस्ता रहे इसके लिए भी हम वैनेडियम पेंटाक्साइड का यूज करते हैं। आप ध्यान रखें कि प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटाक्साइड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन वैनेडियम पेंटाक्साइड का यूज ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इससे जो विधि होती है वो सस्ती रहती है, और प्लेटिनम का यूज करेंगे तो खर्च बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अभिक्रिया होगी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मिश्रण यहाँ पे पहुँच रहा है वो उत्प्रेरक और ताप और दाब सभी परिस्थितियाँ यहाँ पे हम उपलब्ध कराएंगे जिससे कि वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है इसको हम उत्प्रेरकी परिवर्तक के ऊपरी हिस्से से बाहर निकालते हैं और इसको एक पाइप के द्वारा हम भेज देते हैं इस आखिरी पार्ट में जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर, यानी कि अवशोषण कक्ष या अवशोषण मीनार कह सकते हैं। यहाँ पे भी देखें, नीचे से हम गैस को प्रवाहित करेंगे और गैस को ऊपर जाना है, ऊपर से यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार होगी या आप कहें बारिश कराई जाएगी, तो यहाँ पर गैस तेजी से ऊपर ना जाए इसलिए हमने यहाँ पर क्वार्ट्ज रखा है। तो इधर से नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाएगी, इनके बीच के स्थानों से होते हुए सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ऊपर से मिलेगा इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब सल्फर ट्राइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वह जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा और इससे निर्माण हो जाएगा ओलियम का। ओलियम द्रव होता है तो इस तरह ये नीचे आ जाएगा और इसको इस निकास द्वार से हम अलग कर लेंगे और ओलियम को हम स्टोर कर लेंगे और जब चाहे तब उसमें जल मिलाकर इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लैंग्वेज थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या आप लिखेंगे अपने एग्जाम में। यदि आपको लिखना रहे तो आपको यहाँ पे जितने भी पार्ट हैं सबके बारे में दो दो चार चार लाइन लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सल्फर बर्नर या पायराइड बर्नर। यह एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है जो कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही समझा दिया। दूसरा पार्ट है इसका धूल अवक्षेपक यानी कि डस्ट प्रेसिपिटेटर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पायराइड बर्नर से प्राप्त गैसी मिश्रण जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होती है को धूल अवक्षेपक में प्रवाहित किया जाता है जहाँ इन गैसों में उपस्थित धूल के कण दूर किए जाते हैं। क्लियर बात है? तीसरा जो चैम्बर है यहाँ पर वो है धोने एवं शीतलीकरण का मीनार यानी कि वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। धूल अवक्षेपक से प्राप्त गैसी मिश्रण को धावन मीनार में नीचे से प्रवाहित किया जाता है। आप देखें यहाँ से नीचे से प्रवाहित कर रहे हैं, ऊपर से जल की बारिश होती है या जल की फुहार गिरती है, यहाँ पे थोड़ा सही कर ले, ऊपर से जल की फुहार गिराई जाती है, जल के द्वारा धूल के शेष कण तथा कुछ अन्य अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाती हैं तथा गैसी मिश्रण का ताप भी कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको वॉश कर रहे हैं धूल को अलग करने के लिए और साथ में जो गैसी मिश्रण है उसको ठंडा भी कर रहे हैं जल की सहायता से। अगला पार्ट है शुष्कन मीनार
जिसको आप ड्राइंग टावर कहते हैं। वाशिंग टावर से प्राप्त गैसी मिश्रण को शुष्कन मीनार में नीचे से प्रवाहित किया जाता है। इस मीनार में ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल फुहार गिरती है जो गैसी मिश्रण से जल वाष्प को अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पे ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल गिर रहा है जो जल वाष्प का अवशोषण कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ड्राइंग, यानी कि यहाँ पे हम लोग गैसी मिश्रण को सुखा रहे हैं, उससे जल को या नमी को दूर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है ड्राइंग टावर। अगला हम देखते हैं आर्सेनिक शुद्धिकारक यानी कि आर्सेनिक प्योरीफायर। शुष्कन मीनार से प्राप्त गैसी मिश्रण को आर्सेनिक शोधक में भेजा जाता है। आर्सेनिक शोधक में फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है जो गैसी मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक को या आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर हमने आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कराया। क्यों कराया? क्योंकि यदि प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज करते तो आर्सेनिक प्लेटिनम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, यानी प्लेटिनम को खराब कर देता। उसके बाद हम गैस को भेजते हैं पूर्व तापक में। देखें आगे, यहाँ पूर्व तापक आर्सेनिक शुद्धिकारक से गैसी मिश्रण को पूर्व तापक में भेजा जाता है जहाँ गैसी मिश्रण को गर्म किया जाता है। अब गर्म करने से क्या लाभ है ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट होता है उत्प्रेरकी परिवर्तक। पूर्व तापक में गैसी मिश्रण यानी कि SO2 और O2 के मिश्रण को गर्म करने के पश्चात इसे उत्प्रेरकी परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है जहाँ उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम उपस्थित होता है। और यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है जिसको आप ध्यान से समझें। तो यहाँ पर अभिक्रिया होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जिसके लिए यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। और साथ में यहाँ पर ध्यान रखें कि अच्छी लब्धि के लिए हम 2 ATM दाब और 723 केल्विन, आप कह सकते हैं लगभग 723 केल्विन ताप का यूज करते हैं। और इसीलिए हमने पूर्व तापक में गैसी मिश्रण को पहले गर्म कर दिया था। और एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, उत्प्रेरकी जो परिवर्तक है इसका भी हम तापमान हाई रखते हैं ताकि SO3 की अच्छी लब्धि हो, यानी कि अधिक मात्रा में SO3 गैस बने। क्लियर बात है? तो चलिए आगे चलते हैं। अवशोषण स्तंभ जिसको आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। उत्प्रेरकी परिवर्तक से प्राप्त SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को अवशोषण मीनार में नीचे से भेजा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अवशोषण मीनार में नीचे से भेजा जाता है तथा ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिरती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 गैस को अवशोषित करके ओलियम बनाती है। तो यहाँ पे ओलियम बन गया और ओलियम को ही हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज भी बता दी कि क्या आप लिखेंगे अपने एग्जाम में। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने किसी कन्फ्यूजन या किसी विचार को कमेंट बॉक्स में भेजिए, लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।